ओके सो हे गाइस, बस सब वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू हिम्मत सिंह का न्यू अल्लू अर्जुन के साथ फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि गाइस आप लोग अपनी फोटो को हिम्मत सिंह की जगह अपनी फोटो रख के अल्लू अर्जुन के साथ कैसे एडिट कर सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो में आप सभी को मैं पूरा मतलब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कैसे एडिट करना है। एंड गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस, अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है या फिर अगर आप चाहते हो कि कोई और फोटो आप एडिट करना, तो गाइस आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो गाइस। आपको वहाँ पे जो है मतलब कोई भी पोस्ट पसंद आए तो आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर देना, मैं आप लोगों के लिए उसका कंटेंट बना के दे दूंगा। तो गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सबको सबसे पहले करना गाइस आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देन गाइस आपको जाना है ऐड फोटो में। एंड गाइस, यहाँ से ऐड करना है आप सभी को मॉडल अपना, जो मतलब क्या ऐड करना चाहते हो यहाँ पे, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। एंड गाइस, यहाँ पे जो मैंने इसका मतलब मॉडल का बैकग्राउंड पहले से रेज कर रखा था कि जो गाइस आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ मैं, एंड जो आपको मैं जल्दी से मतलब एडिटिंग सिखा दूँ। एंड गाइस, अगर जिसको बैकग्राउंड रेज करना नहीं आता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक है, तो आप वो वीडियो का जाकर देख लेना एंड बाकी जो भी मतलब रेज वगैरह करना सीख लेना। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, जब अपन मॉडल वहाँ पे ऐड करोगे तो गाइस आप लोगों को क्या करना है, उसको थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो जैसे कि यहाँ पे जो हमारा अल्लू अर्जुन है वो थोड़ा ब्राइट है और हमारे जो मतलब हिम्मत भाई थोड़ा अभी डार्क्स लग रहे हैं, तो हम इसके यहाँ पे शेडो बढ़ा लेंगे सिंपली। एंड जो सेचुरेशन है इसको मतलब टेम्परेचर है जिसको हम ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे ताकि जो इसमें आ जाए येलो टोन, मतलब ऑरेंज टोन एक टाइप की, जैसे गाइस आपको दिख रहा होगा अल्लू अर्जुन के ऊपर। एंड उसके बाद आपको अगर उसमें कुछ फर्क ना पड़े तो आपको सेचुरेशन से भी इसकी सेचुरेशन बढ़ा देनी है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपको साइज रख लेना है, ठीक है। एंड पोज वगैरह का इस मैटर नहीं करता, आप चाहो तो किसी भी तरीके से पोज कर सकते हो, तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। एंड रेजर टूल में जाना आपको सभी को फिर अपने। एंड उसका जो शूज़ वगैरह वो आपको नीचे से कुछ इस टाइप से ऐसे रेज कर लेना, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो अगर आपको मतलब शूज़ वगैरह ऐसे आप ऊपर की तरफ आए तो आपको रेज कर लेना है। तो जैसे कि हमारे मॉडल के आ रहे तो मैं इसको यहाँ पे रेज कर लूँगा, जैसे कि लगेगा जो हमारा मॉडल है वो बैठा हुआ है ट्रक के ऊपर, तो हम इसको रेज कर लेते हैं ऐसे। एंड गाइस, इसमें आपको शेडो कैसे बनानी है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो अभी हम इसको यहाँ पे डन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ओपेसिटी वगैरह फुल कर लेते हैं एंड चलते हैं ऐड फोटो में। एंड यहाँ से ऐड करेंगे गाइस हमें ब्लैक कलर की शीट, एंड इसको हम यहाँ पे रखेंगे फुल स्क्रीन। एंड इसके बाद आपको जो इरेजर टूल का ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करके मूव डाउन करना है। देन आपको जाना इरेजर टूल में, इसको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना, ब्रश का साइज आपको यहाँ पे इंक्रीज रखना है, एंड जो ओपेसिटी हार्डनेस कम करके एंड इसके नीचे आपको शेडो बनानी है। तो हम शेडो बनाते हैं एंड बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करना है। एंड गाइस, शेडो बनने के बाद जो है गाइस आपको जो शेडो की ओपेसिटी है वो यहाँ पे कम रखनी है, ठीक है। नहीं तो अगर आप फुल रखोगे तो फेक लगेगा, तो ओपेसिटी आपको कम से कम ही रखनी है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे इतना कर देने के बाद आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसको कर देना है डन। तो गाइस, हमारे यहाँ पे पिक्सल आर्ट का काम तो हो गया, अब हमें रहती है इसमें जो है गाइस कलर करेक्शन। तो अभी हम इसको यहाँ पे सेव करेंगे एंड इसको लेकर चलेंगे लाइट रूम ऐप में। तो गाइस, हमने यहाँ पे फोटो को पहले से ऐड कर रखा है, तो आपको जाना अब इस लाइट वाला ऑप्शन में, आपको यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना है, ठीक है, पहले थोड़ा सा। एंड यहाँ पे हाईलाइट जो दिख रहा है गाइस आपको इसको भी थोड़ा बढ़ा देना है। एंड जो शेडो है इसको यहाँ पे थोड़ा सा शेडो को जो इंक्रीज ही रखना, ताकि जो मॉडल अगर आपका डार्क होगा तो वो ब्राइट हो जाएगा। फिर आपको व्हाइट को कम करना है, यहाँ पे ब्लैक को इंक्रीज करना है। फिर आपको जाना है कलर्स में, उसके बाद आपको वाइब्रेशन बढ़ाना है, एंड इसके नीचे मिले आपको टेम्परेचर, ठीक है, आपको उसको भी बढ़ा देना है। एंड जाना आपको मिक्स में ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन को आपको माइनस करना है, ल्यूमिनस बढ़ा देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको जाना येलो कलर में, आपको इसका ह्यू माइनस करना है ताकि आपको जो मॉडल है ऑरेंज टोन में आ जाए। फिर उसके बाद आपको जाना डार्क ब्लू में, अगर पेंट का कलर अगर गाइस आपका ज़्यादा ब्राइट हो तो आप इसको कम कर सकते हैं सैचुरेशन को। एंड उसके बाद आपको करना है यहाँ पर डन, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जाना है थ्री पॉइंट्स वाले ऑप्शन में। एंड उसके बाद आपको शेडो के ऊपर जो इसके ऊपर क्लिक करना है, एंड इसका जो सैचुरेशन आपको बढ़ाना है, एंड इसको ह्यू को ले जाना है आपको यहाँ पे येलो टोन में। फिर आपको जाना मिड टोन में, आपको इसका सैचुरेशन बढ़ाना है, एंड इसको भी ले जाना है आपको येलो टोन में ह्यू को, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जाना हाईलाइट में, आपको इसका सैचुरेशन बढ़ाना है, एंड इसका ह्यू जो है इसको येलो में ले जाना है। फिर आपको यहाँ पे कर देना डन। एंड इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कलर के नीचे वाला जो टूल दिख रहा है आपको उसमें जाना है, एंड यहाँ पे आपको जो क्लियरिटी इसको इंक्रीज करना है, फोटो में जो विग्नेट है वो डाल देना है, एंड इसके नीचे मिलेगा वो ग्रेन अमाउंट आपको उसको बढ़ाना है। एंड उसके बाद जाना आपको नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस है इसको बढ़ाना है, एंड जो नोट रिडक्शन है आपको उसको बढ़ाना है, एंड इसके नीचे मिलेगा वो कलर नोट रिडक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस, फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस, ऐसा करता हूं आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी गाइस, मैं मिलता हूं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।